हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10 का एक मैथ करेंगे जो कि सैंपल पेपर का है, टर्म 2 का, और क्वेश्चन नंबर 2 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना mx ब्रैकेट 5x माइनस 6 ब्रैकेट प्लस 9। आपके सैंपल पेपर में ये 9 नहीं लिखा होगा, लेकिन वहाँ फॉल्ट है कुछ, या 9 होगा तभी ये बनेगा जीरो। ये बराबर है 0 हैज टू इक्वल रूट्स। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 इक्वल रूट है, तो m का वैल्यू निकालना है। ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर 2 इक्वल रूट होता है तो उसको एक फार्मूला लगाते हैं, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला, जिसको बी स्क्वायर माइनस डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac वो 0 के बराबर होता है। अब इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ले आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते कैसे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक, जहाँ a 0 कभी नहीं होता, a इज नॉट इक्वल टू 0, बी 0 हो सकता है, सी 0 हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा। तब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5m, ये x है, 5m x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, अब इसको इससे करेंगे तो 6m x हो जाएगा प्लस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए, एक वेरिएबल एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का a का वैल्यू कितना हो जाएगा 5m, b का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा माइनस 6m, और c का वैल्यू कितना हो जाएगा 9। a का वैल्यू 5m, b का वैल्यू 6m और c का वैल्यू 9। अब ये फॉर्मूला अब लगाएंगे, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b स्क्वायर माइनस मेरा 6m का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मेरा है 5m इंटू सी मेरा 9 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा मेरा ये माइनस 6 है, तो 36 पॉजिटिव में अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो पॉजिटिव में 36m स्क्वायर और माइनस 9 से 5 इंटू करेंगे 45 होगा, और 45 को 4 से इंटू करेंगे 5 4 जो 20 2 और 18, यानी कि माइनस 180m आ जाएगा मेरा इक्वल टू 0। अब इसमें से 18 अगर कॉमन ले लिए तो 2m स्क्वायर माइनस 10m इक्वल टू 0 हो जाएगा। 18 को इधर लेके जाएंगे तो डिवाइड में होगा, 10m इक्वल टू 0 डिवाइड 18, यानी कि 2m स्क्वायर माइनस 10m इक्वल टू 0 ही होगा। फिर इसमें से भी 2 कॉमन लेंगे तो m स्क्वायर माइनस 5m इक्वल टू 0, एम स्क्वायर माइनस 5m इक्वल टू ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 को उधर लेके जाएंगे डिवाइड में आएगा 0 हो जाएगा, यानी कि m स्क्वायर। अब इसमें से m कॉमन लेंगे तो बचेगा m माइनस 5 इक्वल टू 0। एक बार m को 0 के बराबर करेंगे, एक बार इस m को 0 के बराबर करेंगे, यानी कि m का वैल्यू आ जाएगा मेरा 5 आंसर। एम का वैल्यू ही पूछ रहा था तो 5 आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।